मैं त्योहार वाले दिन अपनी बहन के घर मिठाई लेकर गया तो सामने का मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मेरी विधवा बहन की सास और नंदे उसे डंडे से मार रही थी और मेरी बहन चुप होकर मार खा रही थी। मेरी बहन की सास ने धक्का देकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया और मुझे कहा, ले जाओ अपनी बदचलन बहन को यहाँ से। मैं उसे अपने घर ले आया। एक दिन मेरी पत्नी अपनी माँ के घर गई हुई थी। मैं कमरे में और मेरी विधवा बहन बाहर आंगन में सो रही थी कि अचानक से मुझे अपनी बहन की चारपाई हिलती हुई महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई चारपाई पर है। मैंने उठकर जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की, सामने बहन को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि उसकी चारपाई पर मेरा नाम राज है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। मेरी एक ही बहन थी जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से विदा कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी और मेरे खुद के दो बच्चे थे, मगर मेरी पत्नी के आगे कभी मेरी एक न चली। कभी कभी तो अपनी बीबी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हर बात पर जिद करती थी। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी और वह अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने पति के साथ हमारे घर आती थी। वह दोनों बहुत खुश थे। बस उनमें एक ही कमी थी कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त प्रार्थना करता कि ऊपर वाला मेरी बहन को भी संतान दे दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। मेरी छोटी बहन विधवा हो गई थी। पति की मौत के बाद वह अपने ससुराल में ही थी। पता नहीं मेरी पत्नी को क्या हुआ था। वह मुझे अपनी बहन के घर भी जाने नहीं देती थी, ना वो खुद जाती थी, लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने जाता था। मेरी पत्नी को डर था कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया तो वह हमारे घर आएगी। इसीलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो, उसे अपने हाल पर छोड़ दो, ये ना हो कि वो तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं, तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। पत्नी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वो मेरी एक ही बहन थी जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। त्योहार वाले दिन पत्नी से कहा कि मैं अपने एक करीबी रिश्तेदार से मिलने जाता हूँ, मगर मेरी पत्नी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो वो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, तुम सच भी तो बोल सकते थे ना कि अपनी बहन से मिलने जा रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं त्योहार वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी मुनासिब नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी, बात बात पर उसे गरीबी के ताने देती थी, और अब तो उसका पति भी नहीं था जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुँच चुका था, मगर वहाँ गया तो एक नया ही तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का ससुराल जमा हुआ था और वह लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। मैंने पूछा तो उसकी सास कहने लगी कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था। मैंने तो खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे एक महीना भी नहीं हुआ और उसने रंगरेलियाँ मनानी शुरू कर दी है। मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है, इसलिए मैं अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो ये सोचकर इसे घर में जगह दी थी कि मेरे बेटे की विधवा है, लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया है। मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा जिसकी नंदों ने उसे इस कदर मारा था कि उसका चेहरा लाल हो रहा था, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। मैंने अपनी बहन से पूछा कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है, लेकिन वे खामोश थी और उसकी खामोशी उसे गुनहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वालों ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बदचलन को अपने साथ ही लेकर जाओ, मरता मैं क्या न करता। मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी पत्नी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी विधवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले ये अपने पति को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं,
इसके ससुराल वाले तो इसे रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा उसे देना पड़ता। आपको इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी पत्नी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि कुछ वक्त ये यहीं रहेंगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। हमारे घर में दो ही कमरे और एक आंगन था। उसकी शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसीलिए जब मेरी बहन आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, पापा आप बुआ को अपने कमरे में रख लो। अब मैं अपनी विधवा बहन को अपने कमरे में कैसे रख सकता था। मेरी पत्नी कहने लगी कि आपकी बहन के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वो आराम से सो जाएगी, आप फिक्र ना करें। यह बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीबी की ही चलती थी, इसलिए मैं खामोश रह गया। क्योंकि अगर मेरी बीबी को बहन पर इल्ज़ाम के बारे में पता चल जाता तो वह मेरी बहन को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। मेरी बहन को आए एक ही दिन गुजरा था कि मेरी पत्नी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को नौकरानी बने देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी पत्नी कहने लगी, मुझे आपकी बहन के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पति के मरने के बाद वह आवारा हो गई है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, जल्दी ही तुमको खुद हकीकत का पता चल जाएगा। पत्नी की बात पर मुझे मेरी बहन की सास की बात याद आ गई, कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल ही खामोश हो गया। यह बात कहकर मेरी पत्नी बच्चों के कमरे में चली गई थी और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था? क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था? यह कैसे मुमकिन था कि उसकी सास और मेरी पत्नी दोनों एक ही जैसे बातें कर रही थी, जबकि मैंने तो अपनी पत्नी को यह तक नहीं बताया था कि मैं बहन को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में बहन से बात करूँगा। फिर दो दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी पत्नी बाजार गई थी और बच्चे ट्यूशन पर गए थे। घर पर मैं और मेरी बहन ही थे। मेरी बहन मेरे लिए चाय लाई तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि उस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी, तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी बात सुनकर वह सर झुका गई और बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी ना बोली। मैंने कहा, गुड्डी इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी, तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। बहन ने एक नज़र मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ज़्यादा चुभ रही थी। अगर वो मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीबी का मुकाबला भी कर सकता था, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि गुड्डी आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन मुझे कहीं नज़र ना आई, और फिर थोड़ी देर बाद वो छत की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वो बहुत घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसे ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। उसकी यह बात मुझे हजम नहीं हुई थी, वो तो वैसे ही खुले आंगन में सोती थी, उसे छत पर जाने की क्या ज़रूरत थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बीबी और बहन की सास ने ठीक ही कहा था। एक रोज़ मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तहान हैं इसलिए बच्चे यहाँ ही रहेंगे, गुड्डी बच्चे संभालेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है चली जाओ, और फिर वह चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने बहन से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए, पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। फिर मेरी बहन की चारपाई मैंने अपने कमरे में डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहन जाग रही है और उसकी चारपाई हिल रही हो।
कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं यह सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चारपाई पर हलचल होती रही और फिर सन्नाटा छा गया। मुझे भी नींद आ गई। अगली सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन बहन की आँखें कुछ लाल हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मैंने उससे कुछ ना पूछा। लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ। अब मुझसे रहा न गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जला दी और सामने का दृश्य देखकर मैं रो पड़ा। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठी एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं उठ के उसके सिरहाने पहुंचा तो वो घबरा कर अपने दुपट्टे में रोटी छुपा गई। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वो मुझसे नजरें चुरा रही थी जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, गुड्डी यह क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, यह क्या कर रही हो? मेरी बात पर वह रो पड़ी और रोते रोते कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ, मुझे रात को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था और उससे कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वह नज़र झुका गई और कहने लगी, कैसे बताती, क्या आप भाभी से मेरे लिए बोल सकते थे? मैं सकुचा गया। फिर गुड्डी बोली, भैया आज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अपने पति के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चला था कि मैं पेट से हूँ। मेरे पति ने कहा कि वह यह खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन उसी दिन वो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे इतना सदमा पहुँचा कि मुझे यह भी याद ना रहा कि मैं पेट से हूँ। फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ ठीक ना था। एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ननद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया था और वो मेरे पीछे पीछे चली आई। मेरी ननद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदचलन का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी वही ननद सबसे आगे बढ़ चढ़ कर मुझे मारने पीटने में लगी थी और उसने अपना गुनाह मेरे सर पर डाल दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं पेट से हूँ तो वह ना जाने क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वह मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी और उसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। मुझे अपने पति से मोहब्बत थी और यह बच्चा उनकी आखिरी निशानी है। अब मुझे वक्त बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है पड़ोस में मेरी दोस्त रानी रहती है। मैंने उसे अपने पेट से होने का बता दिया था, इसीलिए जब मुझे भाभी खाने को ना देती तो वो मुझे कुछ ना कुछ खाने को ला देती थी। भाभी को लगता है कि मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि रानी है जो मेरे लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं आपको यह बात इसलिए नहीं कह सकी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाना था। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की तो आदत ही ऐसी है, वो फौरन घर छोड़कर चली जाती हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर भी टूट जाए, इसीलिए मैं खामोश रही और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर मेरी बहन जोर जोर से रोने लगी थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और ख़ुद भी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। मैं तो उसे अपने घर में थोड़ा भी इज्जत नहीं दे सका था। कभी उससे ये भी नहीं पूछा था
कि वो क्या खाती है, कैसे गुजारा करती है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ से आंखें बंद कर ली थी, यह जानते हुए भी कि मेरी बीबी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बत के भी नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया था। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया और मैंने फैसला कर लिया कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं उससे दो टूक बात करूँगा। अगर वो मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देनी होगी, वरना वो अपने घर वापस लौट सकती है। एक हफ्ते बाद मेरी बीबी घर आई तो मैंने उसे बताया कि गुड्डी बहन पेट से है, यह घर मेरे माँ बाप का है और इस पर मेरी बहन का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीबी एकदम खामोश हो गई। पहली बार मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें गुड्डी और उसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी, जल्दी ही मैं ऊपर का एक छोटा सा पोर्शन बनवा कर अपनी बहन को दे दूंगा, ना ही वो तुम्हारी नौकरानी है और ना ही वो तुम्हारी सेवा करेगी, इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी गुजारना और वो अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। ये कहकर मैंने अपनी बात ख़त्म कर दी थी। बहन जो दूर खड़ी थी उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। एक साल बाद मेरे दोस्त की माँ ने अपने बेटे के लिए बहन का रिश्ता मांगा तो मैंने उसकी शादी उससे करा दी। आज वो अपने घर और हम अपने घर हंसी खुशी रह रहे हैं। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।